लोग जानेंगे जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन रहता है, ये दोनों इंजन में से मेन पार्ट्स क्या क्या डिफरेंस रहता है। हम लोग डीजल इंजन को ऑलरेडी खोल के देखे और ये वाला जो देख रहे हैं ये पेट्रोल इंजन है। तो पेट्रोल इंजन में क्या पार्ट्स रहता है मेन, जो डीजल इंजन में नहीं रहता। जो डीजल इंजन में रहता है वो पेट्रोल में नहीं है। हम लोग को सबको पता है ये ऑटो साइकिल पे काम करता है पेट्रोल इंजन, और ये वाला डीजल साइकिल पे काम करता है। तो यहाँ पे डीजल इंजन को देखो, इसका मेन जो पार्ट है यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये चारों क्या है, ये फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है काम इसका, फ्यूल को इंजेक्ट करता है सिलेंडर बोर्ड के अंदर। जब भी कंप्लीट होता है मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट करता है, डीजल जो रहता है इंजेक्ट करता है। तो ये चारों यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है। ये तुम्हारा जैसे कि रॉकर आर्म सेफ, इसके अंदर में पुश रॉड हो गया, ये सभी पार्ट ये जो डीजल इंजन है डीजल इंजन में रहता है। अगर यहाँ पे देखो पेट्रोल इंजन पे आ जाओ, देखो पेट्रोल इंजन पे मेन क्या है, ये थ्री सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों सिलेंडर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सेम चीज है, रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म सेफ्ट है। और यहाँ पे जो कैम सेफ्ट है देखो नीचे वाला दिख रहा है, यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, ये जो एकदम से लाइट कलर का स्टील जैसे दिख रहा है, ये जो सेफ जा रहा है ना यही सेफ जाके यहाँ पे कैम सेफ्ट है ये। तो मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो स्पार्क प्लग है टोटल, देखो तीनों स्पार्क प्लग है, थ्री सिलेंडर इंजन है, तीन सिलेंडर है इसका, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग है। मगर डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग नहीं रहता। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे स्पार्क प्लग है। जब भी फ्यूल एयर एंड फ्यूल मिक्सर जब भी कंप्रेस्ड हो जाता है तो उस टाइम पे स्पार्क प्लग कौन सा स्ट्रोक पे करेगा, कौन सा स्ट्रोक पे स्पार्क प्लग फायर करेगा, पावर स्ट्रोक। जब पावर स्ट्रोक से पहले सक्शन के बाद कंप्रेशन होने के बाद स्पार्क प्लग फायर करेगा वहाँ पे। तो स्पार्क प्लग फायर करता है वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटर वाला था जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही हम लोग पहले ही देखे जैसे कि 4-2-1, 2-2-3 ऐसे करके, तो ये स्पार्क प्लग जो है हम लोग बहुत सारे टाइम इसको क्लीन करना पड़ता है मैनुअली। यहाँ पे फिक्स रहता है तीनों में, ये वाला स्पार्क प्लग कहाँ गया, उठा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही करके रहता है स्पार्क प्लग। और ये जो मेन चीज हम लोग देखे बैटरी इग्निशन सिस्टम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का हम लोग जाने थे, तो ये जो है यही डिस्ट्रीब्यूटर है। इसको खोलने के बाद देखो यहाँ पे मेन जो है डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल कॉइल वॉयल जितना भी सारा था बैटरी इग्निशन सिस्टम का, ये मेन पार्ट हो गया। तो स्पार्क प्लग हम लोग इसको खोल देते हैं पहले, और इस साइड पे देखो फ्लाई व्हील उसका देखो इस साइड पे है, मगर यहाँ का जो एग्जॉस्ट वहां पे एम से कहां से आ रहा था, क्रैंकशाफ्ट तो इस साइड से आ रहा था ना, पावर कहां से दे रहा था इसका, उस साइड में नहीं जा रहा था, इधर से पावर डायरेक्ट कहां से जा रहा, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू व्हील पे जा रहा था। मगर यहां पे देखो पावर किस तरफ से जाएगा, ये क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट यहां पे जो है ये वाला पार्ट हम लोग बाद में खोलेंगे, मगर ये क्लच प्लेट है। इसके बाद ये जो शाफ्ट देख रहे हो इस साइड से पावर व्हील में, पावर फ्रंट व्हील पे जाता है ये पार्ट, उधर में बैक व्हील पे जाता है, मगर ये वाला फ्रंट व्हील पे जाता है, पावर यही से ट्रांसमिट होता है। तो मेन डिफरेंस पेट्रोल एंड डीजल इंजन का यही है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे स्पार्क प्लग, जो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर है, और यहाँ पे पेट्रोल इंजन का मेन है आपका स्पार्क प्लग।